हेलो डियर स्टूडेंट, एटी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्न होने वाला है यहाँ पे आज के सेशन के अंदर। तो बर्न की एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बर्न के बारे में अपन फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। बर्न के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट मोडलिटी, सीवियरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो सब आज के सेशन के अंदर होने वाला है। तो पूरा सेशन देखने के लिए एंड तक बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आ सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास। आज का टॉपिक अपना रहने वाला बर्न, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। बर्न इंट्रोडक्शन, बर्न क्या हुआ? ए बर्न इज एन इंजरी कॉज बाय एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और सर्टेन केमिकल्स। बर्न एक इंजरी है जो कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, तो उस वजह से जो इंजरी हो सकती है वो उसको अपन बर्न बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से भी आपको बर्न इंजरी हो सकती है, और अगर आप किसी केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं आपकी बॉडी सरफेस एरिया, तो उस कंडीशन में भी बर्न इंजरी अकर हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज एंड सीवियरिटी ऑफ बर्न। तो इस सेशन के अंदर अपन सीखेंगे कैसे जो परसेंटेज डिटरमाइन किया जाता है बर्न का, और सीवियरिटी कैसे डिसाइड होती है। इसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट अपन डिस्कस करेंगे एंड डिलीवरी टू द अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी। जो बर्न का पेशेंट है उसका अपन कैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, नर्सिंग हो, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी हो, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अपन आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए आपको कंटिन्यू देखना है। टाइप्स ऑफ बर्न के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज इवन थो बर्न में कंज्यूम अटेंशन। जो कुछ कंडीशंस होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब उनके अंदर जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो बर्न भी उनमें से एक है। इसलिए यहाँ पे जो बर्न का ट्रीटमेंट मॉडलिटी करते टाइम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, पेशेंट के ऊपर अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देयर थ्री टाइप्स ऑफ बर्न। बर्न के जो टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टाइप होने वाला है सुपरफिशियल, जिसको कि फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे होने वाला है पार्शियल थिकनेस, जिसको सेकंड डिग्री बर्न बोला जाता है। थर्ड यहाँ पे होने वाला है फुल थिकनेस बर्न, जिसको थर्ड डिग्री बर्न बोला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वन बाय वन सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है तो वो देखते हैं अपन कि सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो इन्वॉल्व ओनली अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इट इज एन इरिटेशन ऑफ द लिविंग सेल इन दिस रीजन एंड रिजल्ट इन सम पेन, माइनर एडिमा एंड इरिथेमा। तो यहाँ पे सब जो सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर होती हैं, उनकी जो अपर लेयर होती है वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे स्किन की 3 लेयर होती है मेनली, सबसे ऊपर वाली होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस फर्स्ट, सेकंड नंबर वाली होती है डर्मिस, डर्मिस थर्ड नंबर वाले होती है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर यहाँ पे फर्स्ट 2 3। इससे नीचे यहाँ पे मसल्स आ जाती हैं, फिर इससे नीचे यहाँ पे बोन आ जाता है, मसल फिर सबसे नीचे बोन। तो ये स्किन की स्ट्रक्चर होती है, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस, जिसको कि ट्रू स्किन भी बोला जाता है, डर्मिस को ट्रू स्किन डर्मिस को बोला जाता है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सबक्यूटेनियस होती है ये फैटी लेयर होती है, फैट की बनी होती है, फैटी लेयर बन फैट की, इसके अंदर फैट होता है इस लेयर के अंदर। तो
तो जो फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर की एपिडर्मिस और जो डर्मिस है उनकी अपर लेयर ही इसके अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो पाती है, तो इस वजह से वहां पे क्या होगा, वहां पे जो यहाँ पे जो डर्मिस और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस के जो लिविंग सेल्स है वहां पे सम पेन होगा, वहां पे सेल्स के अंदर इरिटेशन होगा, इस वजह से पेन होगा और माइनर एडिमा हो सकता है और इरिथेमा, वहां पर रेडनेस देखने को मिलेगी। तो इस टाइप के जो बर्न होता है उसको अपन सुपरफिशियल बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप नोट सेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हमारे एप्लीकेशन एडी वर्ल्ड को जाके डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको नोट सेट के 2000 MCQ मिलने वाले हैं, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बाय करके इनको आप दे सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री होने, कुछ टेस्ट फ्री भी रखे गए हैं ऐप के अंदर, तो वहां पे ऐप के अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टोर के अंदर जाके आपको इस नाम से एक कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना है। अगर जो बाय करना चाहते हैं स्टेट सेलेक्ट करें और बाय नाउ करके अपना पेमेंट करें, और ये आपका जो 2022 MCQ वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर बुलेट्स लेके आए हैं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, ये भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। यहाँ पे इनका कोर्स 149 होने वाला है जिसके अंदर 80% GST भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे 250 पेजेस से भी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नर्सिंग बुलेट्स अवेलेबल है, तो आप इनको डाउनलोड करके ऐप के अंदर रीड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही माइनर माइनर चीजों को इंक्लूड किया गया है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस हो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके, तो आप ऐप के अंदर डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं स्टोर के अंदर जाके। मैं ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सुपरफिशियल एंड पार्शियल थिकनेस फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न, तो उसका जो इमेज है वो अपन देख लेते हैं कि सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या होता है। सुपरफिशियल बर्न के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस की ओनली अपर लेयर्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट होती हैं, तो इस तरह से आपसे एग्जाम के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसको कि सेकेंड डिग्री बर्न बोला जाती है, सेकेंड टाइप का जो बर्न है, टाइप्स ऑफ बर्न अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नो अदर अंडरलेइंग टिश्यू, इसके अलावा कोई इसके अंदर टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होता। इंटेंस पेन, पेन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जो डर्मिस होती है उसके अंदर नर्व सप्लाई होती है जिससे कि पेन का सेंसेशन बर्न के बाद पहुंचता है, तो जो जिसको भी बर्न होता है उसको पेन फील होता है। सुपरफिशियल के अंदर ओनली सुपरफिशियल एरिया अवेलेबल, एरिया अफेक्टेड हो रहा था बर्न से इसलिए वहां पे पेन कम हो रहा था, लेकिन पार्शियल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों अच्छे से इन्वॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे सेकेंड डिग्री बर्न बोला जाएगा और यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होने वाला होता है। स्किन में अपियर व्हाइट और रेड, मॉइस और मोटल्ड, तो यहाँ पे स्किन व्हाइट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, मॉइस हो सकती है और मोटल्ड हो सकती है। ब्लिस्टर यूजली अपियर, तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लिस्टर होते हैं कौन से डिग्री बर्न के अंदर बनते हैं, तो ये सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर? पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न या सेकेंड डिग्री बर्न। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, तो इसका अपन इमेज देखते हैं कि पार्शियल थिकनेस बर्न का इमेज इस तरह से आता है, जिसके अंदर पार्शियल थिकनेस को अपन सेकेंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं, जिसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, स्किन है वो रेड हो सकती है, मॉइस हो सकती है और व्हाइट हो सकती है, तो ये पार्शियल थिकनेस बर्न का इमेज है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड नंबर फुल थिकनेस या फिर थर्ड डिग्री बर्न, इसके अंदर अपन देखते हैं थ्रू ऑल डर्मल लेयर्स, इसके अंदर तीनों लेयर आ जाएंगे एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस सबक्यूटेनस भी आ जाएगी। इसके अलावा इसके मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्लस इसके अंदर बोन भी इन्वॉल्व हो जाती है। किसी कुछ बुक्स में आपको 4 डिग्री बर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली 3 3 डिग्री बर्न ही स्टडी करने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू, मसल, बोन एंड अदर ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये 3rd डिग्री बर्न बोला, नर्व हैव बीन बर्न्ड अवे। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे मेन मैनिफेस्टेशन है इसके अंदर क्या है, नर्व अब्सेंट। जो बर्न एरिया होता है उसके अंदर नर्व जो सप्लाई है, नर्व सप्लाई अब्सेंट होती है, इस वजह से इस बर्न के अंदर पेन नहीं होगा, थस नो पेन। हाउएवर देयर मे बी एक्सट्रीम पेन वेयर फुल थिकनेस एंड पार्शियल थिकनेस इंटरफेयर। तो वहां पे यहाँ जो फुल थिकनेस होता है, फुल थिकनेस बर्न जिसको कि 3rd डिग्री बर्न बोलते हैं अपन, इसके अंदर क्या होगा कि जो नर्व है, नर्व सप्लाई वो बर्न हो जाती है, एंडिंग हो जाती है, यहाँ पे नर्व सप्लाई एब्सेंट होती है, तो इस वजह से यहाँ पे पेन फील नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सी डिग्री बर्न के अंदर पेन फील नहीं होता है पेशेंट को, तो वो आएगा फुल थिकनेस 3rd डिग्री बर्न। और यहाँ पे जो पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस का जो इंटरफेस होता है, वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील हो सकता है, एक्सट्रीम पेन, क्योंकि वहां पे जो एक वो बॉर्डर लाइन हो गया, जो पार्शियल थिकनेस और बर्न होता है उसके अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, तो उस वजह से वहां पे पेशेंट्स को फील पेन ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे ये फुल थिकनेस का इमेज है, तो आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसके अंदर देखो ऊपर के लेयर एपिडर्मिस हट गई, डर्मिस भी हट गई, सबक्यूटेनस भी हट गई, यहाँ पे ये बोन मसल और बोन मसल भी यहाँ पे बर्न हो चुके हैं, तो ये एक तरह से बोन वाइटिस एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये फुल थिकनेस बर्न 3rd डिग्री बर्न का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3rd डिग्री बर्न इस तरह से वो दिखाई देता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न के अंदर फर्स्ट आएगा थर्मल बर्न कॉज बाय एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट। अगर आप एक्सेसिव हीट के संपर्क में आते हैं, तो अगर उस वजह से आपको बर्न इंजरी होती है, तो उस टाइप को बर्न को बोला जाता है थर्मल बर्न। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न पढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल बर्न कॉज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लाइट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो उस टाइप के बर्न को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल बर्न। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल बर्न, 3rd टाइप का, कॉज बाय कॉन्टेक्ट विद केमिकल्स। अगर किसी हार्मफुल केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर उससे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, तो उसके जो कंडीशन को बोलते हैं केमिकल बर्न। इसके अलावा एक वो बर्न होता है जिसको बोलते हैं रेडिएशन बर्न, रेडिएशन बर्न, कि रेडिएशन का जो अमाउंट अगर वो ज्यादा किसी पार्ट पे एक्सपोज हो जाता है, तो उस वजह से भी बर्न होता है जिसको रेडिएशन बर्न बोला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्मल बर्न क्या होता है, थर्मल बर्न इंजरी कैसे होती है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो थर्मल बर्न कोई एक्सेसिव हीट की वजह से हो गया ना, एक्सेसिव हीट एक्सपोजर। अगर आप हीट की ज्यादा एक्सपोजर आ गए, तो आपको थर्मल इंजरी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल ये दिया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी, इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल बर्न इंजरी, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स की वजह से भी इंजरी हो जाती है। तो केमिकल बर्न होता है तो सबसे पहले बॉडी को पानी से वॉश करना होता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसके आंख के अंदर, आईज के अंदर केमिकल चला गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बर्न होता है, मान लो यहाँ पे एरिया बर्न हो गया, यहाँ पे एरिया बर्न हो गया, तो वहां पे तीन
वहां पे तीन जोन्स बनते हैं जिनको बोला जाता है। यहाँ पे जब अपन लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर आ गई, उसके बाद वाली ये लेयर जो ये डर्मिस हो गई, इसके बाद जो थर्ड लेयर मैंने बताई आप सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस लेयर जिसको फैटी लेयर भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो बर्न एरिया होता है वहां पे तीन जोन बनते हैं, जोन ऑफ नेक्रोसिस जिसका कि मोड जैक्सन बर्न मॉडल बोला जाता है इस मॉडल को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर हुआ है तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, जो यहाँ के टिश्यू वो डेड हो चुके हैं एक तरह से, वहां उनके अंदर नेक्रोसिस हो सकता है। ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं पहुंची थी इसलिए वहां पे नेक्रोसिस हो चुका है। इसके अलावा जो सेकेंड एरिया होता है जो जस्ट नेक्रोसिस एरिया के पास में था उसको बोलते हैं जोन ऑफ स्टाटिस, जोन ऑफ स्टाटिस। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाता है ये एरिया, इसके अंदर भी ब्लड सप्लाई इतनी नहीं हो पाती है जितनी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाते प्रॉपर, ये धीरे धीरे नेक्रोसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड एरिया होगा जोन ऑफ हाइपरएमियासिस, इसके अंदर यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो तीन जोन हो गए, जोन ऑफ नेक्रोसिस, जोन ऑफ स्टासिस, जोन ऑफ हाइपरएमिया। तो ये जैक्सन बर्न का मॉडल है, आपको लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ टू बर्न, हाउ टू ट्रीट ए बर्न एट होम, अगर होम पे बर्न हो जाए तो क्या करना होता है। तो जहाँ पे जिस एरिया पे बर्न हुआ है अगर वहां पे कुछ ज्वेलरी वगैरह या कपड़े वगैरह पहने हुए तो उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद टैप वाटर वॉश द बर्न विथ रूम टेम्परेचर वाटर एंड माइल्ड सोप, साबुन के पानी से धोना होता है। इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर वैसलीन अप्लाई करना होता है। अगर वोंड डर्टी लग रहा है तो उसको ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, अगर नहीं लग रहा तो उसको अनकवर भी अपन रख सकते हैं। इसके अलावा बार बार कम से कम 3 बार साबुन के पानी से वुंड को धोते रहना चाहिए। अगर वहां पे ऑब्जर्वेशन 6 स्टेप रहेगा वहां पे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि एनी ड्रेनेज कोई ड्रेनेज तो वहां पे नहीं हो रहा, स्प्रेडिंग रेडनेस वहां पे रेडनेस तो ज्यादा नहीं है, या फिर टेम्परेचर तो बॉडी का ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इन सबको मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि थर्मल बर्न इंजरी पैथोफिजियोलॉजी, उसके अंदर तो उसके अंदर फेजेज होती है, इमरजेंट फेज जिसके अंदर रेस्पॉन्स टू पेन कैटाकोलामाइन रिलीज होता है। सेकेंड यहाँ पे फेज होती है फ्लूड शिफ्ट फेज जिसके अंदर मैसिव शिफ्ट ऑफ फ्लूड इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर, जो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूड होता है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इसके अंदर परमेबिलिटी जो मेम्ब्रेन सेल की वो बढ़ जाती है। थर्ड यहाँ पे फेज होने वाले हाइपर मेटाबोलिक फेज जिसके अंदर इंक्रीज डिमांड फॉर न्यूट्रिशन रिपेयर टिश्यू डैमेज। फोर यहाँ पे स्टेज होने होने वाले रिसोल्यूशन फेज स्कार टिश्यू एंड रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू, इसके अंदर स्कार टिश्यू का वो स्कार बन जाता है और रिमॉडलिंग होने लग जाती है टिश्यू की। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल ऑफ 9, सिस्टम यूज टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व इन बर्न एंड इंजरी। तो बर्न इंजरी के अंदर जो परसेंटेज निकाला जाता है बॉडी सरफेस एरिया कि कितना बर्न हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रूल ऑफ 9 है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो सिस्टम यूज टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व इन बर्न इंजरी, बर्न इंजरी के अंदर बॉडी का कितना जो परसेंटेज है एरिया वो अफेक्ट हुआ है, तो उसके लिए रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टू एस्टिमेट द सीवियरिटी ऑफ द बर्न, बर्न की सीवियरिटी देखने के लिए भी रूल ऑफ 9 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रूल ऑफ 9 के अंदर कैसे किस किस पार्ट को कितना नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हेड एंड नेक को यहाँ पे 9 नंबर मिलने वाले, पोस्टीरियर ट्रंक को 18 नंबर, एंटीरियर ट्रंक है इसको भी 18% या 18 नंबर बोल सकते हैं, 18% मिलने वाले। ईच अपर एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे 9 9, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 18 हो गए, ईच को मिल रहा है तो 9 2 2 2 अपर एक्सट्रीमिटीज होते हैं, तो 2 9 2 18 हो गए। यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटली 1% हो गया। ईच लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी ईच है वो 18 का होता है 18%, तो यहाँ पे 36% हो गया। तो इस तरह से जोड़े जाएंगे
36, यहाँ पे 18 हो गया, 18 यहाँ पे, 36, 36 के बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, 14, 20, 29, 30, यहाँ पे 0, 4, 7 और 3, 100% यहाँ पे हो गया। जो बच्चा है, बच्चे के अंदर यहाँ पे 9%, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 14%, 14%, 14%, 9%, 18%, 18 एंटीरियर और 18 ही पोस्टीरियर, यहाँ पे ये सेम रहेगा। यहाँ पे जो एडल्ट के अंदर 9 होता है यहाँ पे 18 होगा, और जो यहाँ पे एडल्ट के अंदर 18 होता है यहाँ पे 14, 14 दोनों होंगे। तो ये डिफरेंस होता है एडल्ट और चाइल्ड के अंदर, रूल ऑफ 9 के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि माइनर बर्न, माइनर बर्न अगर लेस देन 15% बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है तो उसको माइनर बर्न बोला जाता है। नो कॉम्प्लिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैंड, फेस, फिट और पेरिनियम। इसके अंदर जो हैंड होते हैं, फेस और फिट और पेरिनियम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो एविडेंस ऑफ इनहेलेशन बर्न, एसोसिएट इंजरी और सीवियर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम। तो इसके अंदर इनहेलेशन बर्न, एसोसिएट इंजरी और सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडरेट या फिर माइल्ड मॉडरेट मॉडरेट बर्न, सेकेंड टाइप का बर्न, सीवीटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 15 से लेके 25% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इसके अंदर अगर अफेक्टेड हो रहा है तो मॉडरेट के अंदर आता है। नो कॉम्प्लिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस, हैंड, फिट और पेरिनियम, ये कोई भी एरिया इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नो एविडेंस ऑफ इनहेलेशन बर्न, एसोसिएट इंजरी, सीवियर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम, ये कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। सेकंड अपन देखते हैं, थर्ड अपन देखते हैं मेजर या फिर सीवियर, ग्रेटर देन 25%, 25% और ग्रेटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है तो उसको मेजर या सीवियर के अंदर काउंट किया जाता है, सीवियर बर्न के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये फंक्शनली सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैंड, फेस, फिट और पेरिनियम। तो इनके अंदर फेस का, फिट का और हैंड और पेरिनियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टो फिजियोलॉजी ऑफ बर्न। तो बर्न के अंदर जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसके अंदर बर्न इंजरी के अंदर क्या होता है, तो कोगुलेशन, नेक्रोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अकर। तो जो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका कोगुलेशन होकर नेक्रोसिस हो जाता है, उस वजह से रिलीज ऑफ वास्टो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, वास्टो एक्टिव सबस्टेंस है वो रिलीज होते हैं, उससे क्या होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड वैसो डायलेशन। जो वेसल्स हैं वो डायलेशन हो जाते हैं और जो कैपिलरीज है उनकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एडिमा, इंक्रीज फ्लूइड लॉस। तो टिश्यूज के अंदर एडिमा बनता है जिस वजह से क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड लॉस बढ़ता है। यहाँ पे परमेबिलिटी कैपिलरीज की वो इंक्रीज होती है तो फ्लूइड इंट्रा सेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर आ जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक अकर होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, सेलुलर शॉक हो सकता है। नेक्स्ट 18 to 24 आवर्स कैपिलरी परमेबिलिटी रिटर्न टू नॉर्मल, थर्ड स्पेसिंग रिजोल्व। जो एडिमा है वो रिजोल्व होने लग जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन अकर होगी। हाइपोनेट्रीमिया यहाँ पे जो सोडियम है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा क्योंकि वहां पे फ्लूड लॉस हो रहा है, तो इस वजह से सोडियम है वो बाहर आ जाएगा और जो जो ब्लड सेल्स वहां पे बर्न हुई हैं, ब्लड सेल्स बर्न हुई हैं बॉडी के अंदर, तो इस वजह से जो पोटेशियम है वो बाहर आएगा, इस वजह से हाइपरकैलेमिया बॉडी के अंदर बर्न के अंदर कंडीशन के अंदर अकर होता है। हाइपोनेट्रीमिया प्लस में हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अकर होती है बर्न के अंदर। आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पेशेंट असेसमेंट करते हैं, रूल आउट पॉसिबल
जैसे स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है अपन को देखना होता है। डिटरमाइन लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियस का लेवल अपन को चेक करना होता है। एबीसी, एयर वे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, तीनों चेक करने होंगे पेशेंट्स के। एयर वे असेसमेंट के बारे में अपन देखते हैं। एयर वे, लुक फॉर साइन ऑफ इनहेलेशन इंजरी, शूट अराउंड माउथ एंड नोज, ब्लैक ब्लैक म्यूकस फ्रॉम माउथ, विजिबल बर्न अराउंड नोज एंड माउथ। जो एयर वे चेक करेंगे तो वो चेक करेंगे कि कोई इनहेलेशन इंजरी तो नहीं हुई है। जो माउथ के पास है वो शूट करेंगे, एंड नोज, ब्लैक म्यूकस फ्रॉम माउथ, म्यूकस, ब्लैक म्यूकस आता है अगर पेशेंट एयरवे अगर इनहेलेशन इंजरी के कांटेक्ट में आया है तो। विजिबल बर्न अराउंड नोज एंड माउथ, नोज एंड माउथ के आसपास आपको देखना है कि वहां पे कोई बर्न तो नहीं हुआ है। इनहेलेशन इंजरी, इनहेलेशन इस टाइप से होती है। इनहेलेशन इंजरी कब होती है? जब हॉट गैसेज जहाँ पे कोई भी क्लोज स्पेसेस के अंदर काम कर रहा हो और वहां पे हॉट गैसेज होती हैं, तो उस वजह से ही इनहेलेशन इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रीथिंग असेसमेंट। अपन चेक करेंगे पेशेंट का, बर्न वाले का। ब्रीथिंग, मेक श्योर पेशेंट इज ब्रीथिंग एडिक्वेटली एंड गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वाया नॉन रिब्रीथर मास्क। ये इसके अंदर 95% ऑक्सीजन जाती है। अगर पेशेंट को चेक करेंगे कि वो अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे नॉन रिब्रीथर मास्क के द्वारा। ऑस्कल्टेड लंग साउंड, लंग साउंड अपन चेक करेंगे बर्थ असेसमेंट के टाइम। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्कुलेशन असेसमेंट करेंगे उसका। सर्कुलेशन के लिए चेक कैरोटिड पल्स एंड पल्सेस बिलो इंजरी साइट। कैरोटिड पल्स चेक करनी होगी और जहां पे भी बर्न हुआ है वहां पे इंजरी साइट के नीचे की जो पल्स है वो चेक करेंगे कि उस पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है या नहीं है। परफॉर्म हेड टू टो असेसमेंट एंड ट्रीट ऑल बर्न अप्रोप्रिएटली। जो अपन हेड टू टेल असेसमेंट करेंगे, हेड टू टो असेसमेंट करेंगे और जो जो भी बर्न हुआ है उसको अपन अप्रोप्रिएटली तरीके से ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं बर्न बर्न ट्रीटमेंट के अंदर। बी कॉन्फिडेंट फॉर एयर वे ट्यूब अर्ली। सबसे पहले अपन एयर वे चेक करेंगे। अगर एयर वे पेटेंट नहीं है तो वहां पे अपन ट्यूब, एंडोट्रेकल ट्यूब या फिर ट्रोकोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस करेंगे। आई बर्न नीड फ्लूड रिप्लेसमेंट। जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको इंट्रावेनस फ्लूड चाहिए होता है क्योंकि वहां पे फ्लूड लोड पहले से हो जाता है तो वो हाइपोवोलिमिया के अंदर चले जाए। हाइपोवोलिमिया बॉडी के अंदर हाइपोवोलिमिक शॉक हो सकता है, तो इस वजह से पेशेंट को आईवी फ्लूड देते रहना चाहिए। मेडिकेट टू पेन कंट्रोल। अगर मेडिकेशन के लिए पेन हो रहा है तो मेडिकेशन दे सकते हैं अगर पॉसिबल अवेलेबल हो तो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपन ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है। जो हम मान लो यहाँ से बर्न हो गया तो किसी और पार्ट की स्किन निकाल के यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। तो यहाँ पे देखो स्किन, यहाँ पे ये डर्मिस, एपिडर्मिस लेयर, यहाँ पे डर्मिस, यहाँ पे स्प्लिट थिकनेस, फुल थिकनेस हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसीजर, यहाँ पे जो बर्न होने के बाद वहां पे इश्चियर फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से इश्चियर होता है, तो वहां पे इश्चियरोटॉमी करनी पड़ती है। इश्चियर क्या होता है? ब्लड स्किन, बर्न स्किन होती है, जो कि स्किन वहां पे बर्न होती है उसको इश्चर बोलते हैं। इश्चियरोटॉमी क्या होती है? कट बर्न स्किन टू रिलीव अंडरलेइंग प्रेशर। तो जब स्किन बर्न होती है तो यहाँ पे एक तरह से खिंचाव, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, तो उस यहाँ पे एक तरह से प्रेशर अप्लाई हो जाता है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक तरह से ऐसे कट मार दिया जाता है। यहाँ पे कट मार दिए तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे कट मार दिया यहाँ प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर इस तरह से कट लगा दिया तो प्रेशर रिलीज हो, इस तरह से कट लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं इचेरोटोमी।
कट अलोंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिम फ्रॉम गुड स्किन टू गुड स्किन। तो यहाँ पे जो आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड जो कट्स हैं वो गुड स्किन टू गुड स्किन लगाए जाते हैं। नाइफ कैन बी यूज और कोटरी, या तो इसके अंदर चाकू यूज किया जा सकता है या फिर कोटरी से किया जा सकता है। यूज लोकल और नॉन एनेस्थीसिया, इसके अंदर एनेस्थीसिया यूज किया भी जा सकता है लोकल एनेस्थीसिया, या फिर जरूरत भी नहीं पड़ती। फुल थिकनेस बर्न शुड हैव नो सेंसेशन बट अंडरलेइंग टिश्यू डू। जो फुल थिकनेस बर्न होता है उसके अंदर पेन नहीं होता, जैसे आपने जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया कि यहाँ पे कौन फुल थिकनेस होता है उसके अंदर नो पेन होता है, पेन अब्सेंट। इसका रीजन मैंने बताया था कि यहाँ पे नर्व वो डैमेज हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे पेन फील नहीं हो पाता है पेशेंट को। तो इस तरह से इशियरोटोमी करते हैं इसको, जो इस तरह से बर्न स्किन होती है उसको बोलते हैं इशियर बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बर्न ट्रीटमेंट, अपन पढ़ रहे हैं कीप द पेशेंट वार्म, पेशेंट को वार्म रखना है। ट्रीट एनी अदर इंजरीज के बारे, अदर कोई इंजरी है तो उनको ट्रीट करना है। ट्रांसपोर्ट टू अप्रोप्रिएट फैसिलिटी वाइल मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड एयरवे। अगर पेशेंट को कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो जब वो प्रोवाइड करेंगे, जब वाइटल साइन मॉनिटर कर रहे हो और एयरवे अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस टाइम कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरीहेक्साइड ग्लूकोनेट क्रीम ये यूज की जाती है। ये सिप्ला की जो क्रीम है यहाँ पे 15 ग्राम की, ये भी अप्लाई की जाती है बर्न एरिया पे। यहाँ पे सिल्वर डाइजाइन भी क्रीम है ये यूज की जाती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल क्रीम है, जो कि एक मैंने बताया था आपको कि जब बर्न होता है तो वहाँ स्किन पे कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई अप्लाई करनी होती है ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बर्न होने के बाद वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्कलैंड बर्न फॉर्मूला, जो कि फ्लूड फ्लूड रिप्लेसमेंट के अंदर यूज, फ्लूड रिप्लेसमेंट फ्लूड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो फ्लूड कैलकुलेशन की जाती है बर्न पेशेंट को, वो उसके लिए मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो पार्कलैंड बर्न फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड नेसेसरी फॉर फ्लूड रिप्लेसमेंट, कि जो फ्लूड लॉस हुआ है बर्न पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर वजह से पेशेंट हाइपोवोलिमिया एंड हाइपोवोलिमिक शॉक के अंदर जा सकता है, तो उस फ्लूड को रिप्लेसमेंट करने के लिए, ताकि पेशेंट का जो हाइपोवोलिमिया कंडीशन है वो रिकवर हो जाए, तो उसके लिए फ्लूड कैलकुलेट करने के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला यूज किया जाता है, कितना फ्लूड देंगे। तो एडल्ट के अंदर ये फॉर्मूला है कि 4 ml %% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न इंटू टोटल बॉडी वेट इन kg। मतलब 4 ml इसके अंदर जो फ्लूड चॉइस ऑफ फ्लूड होती है, चॉइस ऑफ आईवी फ्लूड तो RL देते हैं, RL क्रिस्टलोइड फ्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, RL के अंदर वैसे पोटेशियम होता है, पोटेशियम नहीं देना चाहिए क्योंकि हाइपरकैलेमिया कंडीशन होती है, लेकिन बाद में हाइपरकैलेमिया कंडीशन है वो 24 आवर्स के बाद थोड़ा स्टेबल होने लगती है, इसलिए RL देते हैं। RL क्रिस्टलोइड फ्लूड होता है, इस वजह से RL पेशेंट को देते हैं। देखते हैं 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न इंटू टोटल बॉडी वेट इन kg। पेशेंट का जितना 4 ml लेंगे, जितना परसेंट एरिया बर्न हुआ है जो मैंने आपको रूल ऑफ 9 से निकालना सिखाया था, वो अप्लाई करना है इनटू, उसके बाद जो पेशेंट का बॉडी वेट है इन kg वो उससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगा उसका क्या है, हाफ फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर फर्स्ट 8 आवर आफ्टर इंसल्ट। जो जो फ्लूड आएगा, मान लो कि यहाँ पे 3000 ml फ्लूड आ गया, 3000 ml फ्लूड आ गया, तो इसका जो हाफ हाफ फ्लूड कितना हो गया, 1500 ml फ्लूड। नेक्स्ट जो फर्स्ट 8 आवर है, फर्स्ट 8 आवर्स आफ्टर बर्न, फर्स्ट 8 आवर के अंदर 1500 ml फ्लूड देंगे। जो ला जो जो 1500 ml फ्लूड बचा है, 1500 ml अपने फर्स्ट 8 आवर के अंदर दे दिया, 1500 ml बच गया, तो उस फ्लूड को क्या करेंगे, उसको लास्ट के जो 16 आवर्स हैं
उसके अंदर वो फ्लूड एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये फ्लूड, ये बर्न पेशेंट का फ्लूड की कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज रिगार्डिंग यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पे ऑल स्टेट CHO कोर्स अवेलेबल है, नॉट सेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नॉट सेट टेस्ट सीरीज 2022 अवेलेबल है, यहाँ पे नॉट सेट का फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स CHO का फुल कोर्स अवेलेबल है नॉमिनल चार्जेस में, CHO फुल कोर्स। तो आप वहाँ पे ऐप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं, स्टोर के अंदर जाके, और अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।